उस केस अमरा नंगल साहब नूं पहला ही ब्लैंकट बेल मिली हुई सी हाई कोर्ट चों। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी सी भी 7 दिन के नोटिस ते तो बिन दिते बिना इन्हां नूं अरैसट नहीं कराया जा सकता। इस करके कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करती है भी जिन्ना चिर कोई सैट नोट्स नहीं दिंदी, सैट नोट्स 1-2 दिन दे, सैट नोट्स 15 दिन दे, सैट नोट्स महीने दे, उस बाद इस कोर्ट के आओ तो फिलहाल थोड़ी गिरफ्तारी की कोई खदशा नहीं। फिलहाल अमरा नंगल नूं कोई एप्रीहेंशन नहीं गी, 7 दिन तक मतलब इस केस च उन्होंने रेस्ट नहीं हो सकते जिन्ना चिर नोटिस नहीं देंगे। यही गा भी साडा राइट खत्म हो गया, अज वाली बेल नाल साडा राइट उवें एग्जिस्ट करता है ते पर पुलिस सानू फड़ नहीं सकती हुण 7 दिन का नोटिस दिते तो बिना। बहबल कलां गोलीकांड मामले के नामजद सबका आई जी परमराज अमरा नंगल उन्होंने वालों एक मानयोग अदालत के अर्जी दायर की गई सी, उस बारे जानते हैं। साढ़े नाल गुरसाहब सिंह बराड़ वकील ने जो अमरा नंगल उन्होंने तो जानते हैं कि सर सारा मामला है ये जी। 2015 जो उत्थे इंसीडेंट होया सीगा बहबल कलां जिथे दो मतलब व्यक्तियां दे गोली लग गई सी, डैथ हो गई सी, उहदे संबंध दे विच हुण 27/9 नूं अमरा नंगल नूं नामजद किया सी इस केस दे विच, उहदी बाबत बेल एप्लीकेशन फाइल करी सीगी। पर क्योंकि उहदे विच उस केस दे विच अमरा नंगल साहब नूं पहलां ही ब्लैंकट बेल मिली हुई सी हाई कोर्ट चों। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी सी भी 7 दिन के नोटिस ते तो बिन दिते बिना इन्हां नूं अरैसट नहीं कराया जा सकता, जिस करके अज कोर्ट ने यही मतलब सैट तो बयान लिया भी तुसीं कोई नोटिस दिता, सैट ने बयान दिता भी नहीं असीं कोई नोटिस नहीं दिता। तो DSP सैट का जिहड़ा आया सी रिप्रजेंट करता सी गजटड ऑफिसर, उन्हें कहा भी असीं नोटिस दे के फिर अरैसट करांगे 7 दिन का। तो कोर्ट इस सिटे ते पहुंची क्योंकि फिलहाल अमरा नंगल नूं कोई एप्रीहेंशन नहीं गी, 7 दिन तक मतलब इस केस च उन्होंने अरैसट नहीं हो सकते जिन्ना चिर नोटिस नहीं देंगे। इस करके कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करती है भी जिन्ना चिर कोई सैट नोट्स नहीं दिंदी, सैट नोट्स 1-2 दिन दे, सैट नोट्स 15 दिन दे, सैट नोट्स महीने दे, उस बाद इस कोर्ट के आओ तो फिलहाल थोड़ी गिरफ्तारी की कोई खदशा नहीं गा। क्योंकि इस केस के हाई कोर्ट तो वकील साहबान आए सन और एक बठिंडे तो खड़ियाल साहब से, इस करके मैं तो उन्हों का असिस्ट करता सी उन्होंने नाल ज़्यादा तो मतलब जानकारी उन्होंने, पर मैं किस पेशियाँ तो मैं सारिया हाजिर रहा। वालों फिर जो हाई कोर्ट जो वकील साहब आए थे उन्होंने वालों तेजे वालों जो अज के इस सारे मामले में की टैक्निकल की जो उन्होंने मानयोग अदालत के सामने रखा गया जिसन लेके जो डिस्पोज ऑफ किया गया। इतना देखो जी यही सीगा भी सानू एप्रीहेंशन है क्योंकि 27 तरीक नूं सानू नामजद करता सीगा अमरा नंगल नूं ते सैनी साहब नूं, इस करके साड़ी भी एंटीसपेटरी बेल दिती जाए। पर क्योंकि हाई कोर्ट वालों पहला ही एंटीसपेटरी बेल दिती जा चुकी सी, कोर्ट ने इस सिटे ते पहुंची है भी क्योंकि थोनू फिलहाल 7 दिन कोई एप्रीहेंशन नहीं गी गिरफ्तारी दी क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। फरदर जो DSP ने बयान देता सरकारी वकील दे साहब नाल काउंटर साइन हो गए तो कोर्ट ने कहता भी हुण तां तुहानू मतलब क्योंकि सैट वाले ने भी बयान देता तुसीं अरैसट नहीं हो सकते, तुसीं साडे कोल उदों आयो जो तुहानू ये नोटिस देणगे सैट वाले, तो फरदर तां कि फिर इस बेल एप्लीकेशन ते कानूनी कार्रवाई करी जाए। फिलहाल बेल एप्लीकेशन ना तो अलाओ करी है ना डिसमिस कीती है, सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग डिस्पोज ऑफ करती है। हम जेकर गल करिए आने वाले समय के जेकर नोट्स आते उस तो बाद ही कोई तुम अगले अपना मानयोग अदालत जो नोटिस देता सैट ने उस तो बाद मतलब साडा काज ऑफ एक्शन अराइज हो जूगा, फिर असं उस तो बाद हाई अपनी मानयोग अदालत के दुबारे बेल लावे क्योंकि कोर्ट ने सानू लिबर्टी देती है भी तुम जो नोटिस देता उस तो बाद कोर्ट के आके बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। यही गा भी साडा राइट खत्म हो गया, अज वाली बेल नाल साडा राइट उवें एग्जिस्ट करता है ते पर पुलिस सानू फड़ नहीं सकती हुण 7 दिन का नोटिस दिते तो बिना। अज का मामला फिलहाल ये कल आप जेकर गल करिए बहबल गोलीकांड उससे संबंधित सारा मामला। हाँ जी हाँ जी, अज वाला मसला सिर्फ 130 नंबर FIR है जी 21/10/15 हुई सी दर्ज, जिदे 3-4 मुलजम नामजद सी, चरणजीत शर्मा, अमरजीत कलार, बिक्रमजीत सिंह ते प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह नूं लेटर स्टेज ते जाके कुछ दिन पहला अप्रूवर बना लिया सी अदालत ने, वो उसे दे बयान दे आधार ते सानू एप्रीहेंशन है भी इहनूं परमराज ते सुमेध सिंह सैनी नूं नामजद कीता इस केस दे विच।
जो पिछले दिन जरा उन्होंने वालों एक 19 सफ़ियां का बयान दर्ज करवाए गए उस तो बाद ही सारे जे जेकर समेत सिंह की गल कर लिए उमरान की गल कर लिए उस तो एक तो उस बयान तो बाद एक 25-9 में एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर कराया कि उन्होंने कमर विजय प्रताप सिंह ट्रांसफर कर दिया जाए सिट तो ते एक उहदे च फरदर हाई कोर्ट ने ऑर्डर करता जो नैक्सट अगले हुक्मां तक इहदे च कोई फरदर चलान वगैरह की कार ना दिता जाए इस एफ आई आर दे विच इस करके मतलब कमर विजय प्रताप सिंह ने यह जिहड़ी सारी कार्रवाई है जल्दी जल्दी अमल च लियांदी है। तां इह सन साडे नाल परमराज उमरा नंगल दे जो वकील है गुरसाहब सिंह बराड़ उन्होंने बड़ा विस्तार दे नाल दस्सिया कि की जिहड़ा अज मामला सी क्योंकि इन्हां दा यही कहना है कि मानयोग अदालत ने यही कहा है कि जदों तक इन्हां कोल नोटिस नहीं आउंदा जिहड़ा 7 दिन दा उस तो बाद उस तो पहलां जिहड़ी जिहड़ा बेल दा फैसला उन्होंने एक हिसाब नाल जिक्र करिए तां निपटारा कीता है कि उस तो बाद ही जिहड़ा इसदा आने वाले समय दे विच ही फैसला किया जा सकता है। हुण देखिए इन्हां वाली गल होगी कि कदों जिहड़ा इन्हां नूं नोटिस मिलदा और कदों अगली जिहड़ी सारे जिहड़े सामने आउंदी है कार्रवाई की हुंदा है परमराज उमरा नंगल नूं गिरफ्तारी हुंदी है जां नहीं ये देखने वाली गल होगी। फरीदकोट तो कैमरामैन मनप्रीत दे नाल गुरजीत रमाणा D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो।